सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचार समाज बदलबाक हमर सभक अभियान प्रणाम ई अछि टाइम्स टेलीविजन अपने देख रहल छी टाइम्स समाचार हम दीपक शुरू करी हेडलाइन सँ प्रदेश सरकार पत्रकारिता के विकास आ प्रेस स्वतंत्रता प्रति प्रतिबद्ध रहल मुख्यमंत्री राउत के जिक्र महतारीक भंगहा नगरपालिका में ट्रिप पर पिछला से गंभीर घायल भेल अढ़ाई वर्षक बालक के मृत्यु सरकार अन्य गुठी विधेयक विरुद्ध आंदोलन करबाक जनकपुर धामक साधु संत सभक चेतावनी नेपालक गरीबी 5 वर्ष में सुन्ना में गिराव जका सरकार काज कर रहल गृहमंत्री थापा के दावी आ ओमान आ ईरान के बीच में पड़े वाला समुद्र में दूटा तेल टैंकर में भेल विस्फोट के लक अमेरिका आ ईरान बीच वाद युद्ध शुरू आप समाचार विस्तार से नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के प्रथम प्रादेशिक साधारण सभा शुक्र दिन से प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में शुरू भेल छ साधारण सभा 2 दिन चलत साधारण सभा के उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के आसन से बजत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार पत्रकारिता के विकास आ प्रेस स्वतंत्रता प्रति प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरही सूचना आयोग के प्रमुख आयुक्त किरण पोखरेल नेपाल पत्रकार महासंघ के केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल मधेसी पत्रकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र रमन संघीय प्रेस फोरमक प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव लगातक वक्ता सब अपन अपन धारणा रखने छलथि महोतरी में ट्रिपर पिछला से गंभीर घायल भेल अढ़ाई वर्षक बालक के जान गेल छ महोतरी के भंगहा नगरपालिका 4 पलार टोल के विनोद सरदार के अढ़ाई वर्षक पुत्र ओम सरदार के ट्रिपर पिछलाक बाद जान गेल छ शुक्र दिन भिनसर रातो नदी से बाउल ल क तीव्र गति में घुर रहल ना एक क 9426 नंबर के ट्रिपर सड़क में खेल रहल बालक के पीछने छल लगभग शरीर के आधा भाग पिचा कर गंभीर घायल भेल बालक के इलाजक लेल काठमांडू ल जायत काल बाटे में मृत्यु भेल परिवार जन जनौलक अछि घटना पश्चात चालक फरार भेल अछि त ट्रिपर स्थानीय सब नियंत्रण में लेने अछि फरार चालक के खोजबीन भ रहल छ पुलिस जनौलक अछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग के महेंद्र नगर गड्ढा चौकी सड़क खंड अंतर्गत बनगांव में जेसीबी ऑटो रिक्शा के ठोकर देला पर 3 गोटे के घटना स्थल में मृत्यु भेल छ गड्ढा चौकी से महेंद्र नगर दिस आबि रहल M1H763 नंबर के ऑटो रिक्शा के विपरीत दिशा से आबि रहल C1K733 नंबर के जेसीबी ठोकर देला पर 3 गोटे के घटना स्थल में मृत्यु भेल छ 5 गोटे घायल भेल छ मृत्यु होवला में बैतड़ी जिला दहीमांडू दू रहनिहार 38 वर्षक किशन सिंह बोहरा छथि एक महिला आ एक पुरुष के शनाखत नहीं भ सकल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि घायल होवला में ऑटो चालक भीमदत्त नगर पालिका 11 के प्रेम थापा दहीमांडू 2 के 32 वर्षीय लक्ष्मी बोहरा आ हुनक 2.5 वर्षक पुत्र दीक्षांत बोहरा बेलडाड़ी 7 के 26 वर्षक संतोष लुहार आ साइकिल यात्री भीमदत्त नगर पालिका 10 के जगदीश पार्की रहल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता ज्ञान बहादुर बिष्ट जानकारी देलनि बिष्ट जेसीबी लक्ष्मण साउद के नाम में रहल आ चालक फरार रहल सेहो बतौलनि प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अशिक्षा के सामाजिक कुरीति के जड़ रहल से बतौने छथि लैंगिक हिंसा भ्रूण हत्या बाल विवाह दहेज लगातक कुरीति विरुद्ध शुक्र दिन आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजत मुख्यमंत्री राउत अशिक्षा नहीं हटाब सकला पर समाज में सुधार नहीं हैत बतौलन सामाजिक कुरीति के मुख्य कारण अशिक्षा रहल ओ कहलन अशिक्षा हटाब में सब के सामूहिक प्रतिबद्धता के आवश्यकता है सामाजिक कुरीति उन्मूलन बिना सभ्य समाज के कल्पना नहीं कैल जा सकबाक सेहो ओ जिक्र कलन सामाजिक कुरीति उन्मूलन कर बेटी के शिक्षा देव पड़त ओ कहलन एहि अभियान में प्रदेश सरकार लागल अछि बेटी शिक्षित भेला पर समाज शिक्षित होयत तैं एहि दिस सब के सहयोग अपरिहार्य रहल बतौलन शिक्षा से कुरीति हटत कुरीति हटल त सभ्य समाज आ मर्यादित बनत ओ कहलन
भाषण क सामाजिक कुरीति नहीं हटत व्यवहार में आन पड़त। ओ कुरीति के सामाजिक अपराध के संज्ञा दैत ई अपराध रोक लेल कठोर भक प्रस्तुत होबे पड़त सेहो धारणा रखने छला। सामाजिक कुरीति विरुद्ध समाज में सूचना प्रवाह करबाक लेल ओ जनप्रतिनिधि सबसे सेहो आग्रह कयलनि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आयोजना केने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत समाज सुधार के लेल प्रदेश सरकार महिला शिक्षा में जोर देने बतौलन। महिला के शिक्षा में प्रोत्साहित करबाक लेल अगला आर्थिक वर्ष कक्षा एक से कक्षा आठ धरिक बालिका के मासिक 500 रुपया देबाक योजना आने लागल से मुख्यमंत्री राउत बतौलन। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम माया थापा महिला विरुद्धक हिंसा उन्मूलन करबाक लेल निरंतर आवाज उठाब पर जोर देने छली। सामाजिक विकृति विसंगति के अंत करबाक जिम्मेवारी आब जनप्रतिनिधि ऊपर आयल से हुनकर कहब छलन। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के सचिव चंद्र कुमार घिमिरे लगायत मंतव्य रखने छला। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण के लिए प्रदेश तह से भेल प्रयास सब आगामी आर्थिक वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम सब आ हिंसा न्यूनीकरण के लिए संघ तथा स्थानीय तह संघ के अपेक्षा लैंगिक हिंसा विरुद्धक लेल कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन में स्थानीय तह के भूमिका तथा न्यायिक समिति के क्षेत्राधिकार आ अदालत संघ के अंतर संबंध तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण में मंत्रालय से भेल प्रयास आ स्थानीय तह संघ के अपेक्षा विषय में प्रस्तुतिकरण कयल गेल छल। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय एखन धरि पाठ्य पुस्तक बापत के रकम नहीं पाइ सकल। शैक्षिक सत्र के 2 महीना बीत लागल रही तो पाठ्य पुस्तक के रकम नहीं पेने शिक्षक सबके उपराग छन। रकम बाद में देल जेबाक आश्वासन नगरपालिका देलाक बाद विद्यालय उधारी में पाठ्य पुस्तक खरीद के विद्यार्थी के बंटने छल, मुदा उधारी रकम नहीं तिर सकला से पुस्तक दोकान के संचालक सब तागेदा करताल कक शिक्षक के हैरान बनौने नेपाल शिक्षक संघ धनुषाक अध्यक्ष राम सिंह यादव उपराग सुनौलन। ओ कहलन नगरपालिका में बेर बेर तागेदा केने रही तो चाँख नहीं देल गेले छे। हुनक अनुसार 2075 चैत मसांत में पाठ्य पुस्तक खरीद के लेल नगरपालिका रकम पठाबे के छल, मुदा जेठ महीना बीत लागल रही तो रकम निकासा नगरपालिका नहीं केने अछि। नगर प्रमुख रामज्ञान मंडल के कमजोरी से हम शिक्षक सब बदनाम बन रहल से गोट शिक्षक उपराग सुनौलन। हुनक अनुसार नगर विगत 3 महीना से तलब भत्ता से उपलब्ध नहीं करौने अछि। नगर प्रमुख मंडल के रकम निकासा के लेल बेर बेर आग्रह केने रहितो चाँख नहीं देलाक बाद शिक्षक सब प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। रकम निकासा कराब पहल क देबाक लेल ज्ञापन पत्र बुझौने संघक अध्यक्ष यादव बतौलन। रकम एखनो निकासा कर आनाकानी केला पर आंदोलन में उतरबाक शिक्षक सब चेतावनी सेहो देने छथि। ओहि नगरपालिका में 6 माध्यमिक सहित 32 सामुदायिक विद्यालय अछि। कोनो विद्यालय पाठ्य पुस्तक बापत के रकम एखन धरि नहीं पौलक अछि। नगरपालिका पाठ्य पुस्तक बापत करीब 32 लाख रुपया भुगतानी कर पड़बाक शिक्षक सबके कहब छन्हि। एम्हर नगर प्रमुख मंडल कार्यकारी अधिकृत नहीं रहला से विद्यालय में रकम पठाबे में देरी भेल जानकारी देलन। ओ शिक्षक स्वयं समक्ष सेहो ज्ञापन पत्र बुझौने कहत अखार पहिल हफ्ता रकम सब विद्यालय में पठाओल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ कहलन रकम नहीं पठाबे के मनसाय नहीं अछि, हम सब शिक्षा क्षेत्र प्रति गंभीर छी। जनकपुर धामक साधु संत आ महंत सब सेहो सरकार आने गुठी विधेयक विरुद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि अछि। जानकी मंदिरक महंत राम प्रतिष्ठा दास वैष्णव सरकार धर्म संस्कृति आ परंपरा समाप्त कर लेल गुठी विधेयक आन लागल से टिप्पणी कयलनि। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क के ओ गुठी विधेयक सरकार फिरता नहीं लेलक तो देश में प्रलय आयत सेहो चेतावनी देने छला। ओ कहलन एहन प्रलय आयत जे सरकार नहीं थाम सकत। साधु विभीषण ऊपर प्रहार केला पर हनुमान जी क्षण भर में लंका जरौने इतिहास प्रसंग बतबैत महंत वैष्णव कहलन तैं सरकार से आग्रह कर चाहे छी जे मठ मंदिर कब्जा कर के विधेयक फिरता लेल जाय। फिरता नहीं लेला पर देश आ प्रदेश में धार्मिक प्रकोप द्वारा पैघ क्षति होयत। दाता सब संपत्ति न राजा के दान करे छथि न कोनो सरकार के। ओ कहलन एतुका मठ मंदिर सेहो सरकार नहीं बनौने अछि, तैं कब्जा सेहो नहीं कऽ सकैत अछि। संपत्ति गुठी संस्थान कब्जा पहिने कऽ चुकल आ आब साधु महंत सब बनौने मठ मंदिर सेहो कब्जा कर खोजने। ओ कहलन साधु संत तथा महंत सब गुठी विधेयक विरुद्ध आंदोलन कर संघर्ष समिति निर्माण करबाक बताओल गेल अछि। बनते स्पष्ट छो नहीं जबरदस्ती बजाब पड़े
जमीन कता चल गए बंगत करा न प महावैष्णव संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करबाक जानकारी देलन। ओ पहिने प्रमुख जिलाधिकारी आ प्रदेश सरकार मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाब आ कयो विधेयक फिरता नहीं भेल त सड़क आंदोलन करबाक सेहो चेतावनी देलन। मंसार छली क अन्य सामान में बार्गेनिंग कर वाला प्रहरी हवलदार सहित तीन गोटे पकड़ायल अछि। गोलबजार नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के रंजीत साह भंसार छली क अन्य सामान में बार्गेनिंग केला पर प्रहरी हवलदार अशोक कुमार यादव पकड़ायल अछि। हवलदार यादव व्यवसायी साह J1J402 नंबर के गाड़ी में भारत से अवैध रूप में अन्य सामान छोड़ा देव कहे तो एक लेल रकम मांगने छल। सिरहा से खटल पुलिसक टोली हवलदार यादव के नगर पालिका 7 स्थित ट्रैफिक चौक से पकड़लक अछि। हवलदार यादव संगे व्यवसायी साह आ गाड़ी चालक शिवशंकर साह सेहो पकड़ायल अछि। हवलदार यादव जांच करे के क्रम में भारतक जयनगर से नुका चोरा का अन्य सामान छोड़ा देव कहित गाड़ी चालक साह संग बार्गेनिंग कर रहल अवस्था में तीनों गोटे के पकड़ल गेल। जिला प्रहरी के प्रवक्ता अपील राज बोहरा जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभाक बैसार से पूर्व मंत्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केंद्रीय सदस्य धनीराम पौडेल के निधन में सर्वसम्मत शोक प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। शुक्रदिन बैसल बैसार में सभा में कृष्ण बहादुर महाराज शोक प्रस्ताव पढ़ कर सुनौने छला। संगे स्वर्गीय पौडेल के निधन में सांसद अपन अपन स्थान से ठार भ क एक मिनट मौन धारण सेहो केने छलथ। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार रवि दिन भिनसर 11 बजे बैसत। संगे विनियोजन विधेयक ऊपर के शुक्र दिनक विमर्श के कार्यक्रम 3 गते के लेल राखल गेल। संसद सचिवालय जनौलक अछि नेता पौडेल के शुक्र दिन भिनसर हृदयघात के कारण चितवन में निधन भेल। पौडेल नेपालक कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर के ईमानदार सरल निष्ठावान आ बौद्धिक व्यक्तित्व छला। चितवन बघौड़ा नया पिपरिया स्थायी घर रहल पौडेल स्नातक तह धरि के अध्ययन केने छलथि। ओ दोसर संविधान सभा चुनाव में समानुपातिक दिश के सांसद छला। पार्टी अध्यक्ष प्रचंड दोसर बेर प्रधानमंत्री रहल बेर में ओ शिक्षा मंत्री बनल छलथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति काठमांडू के तीन कुने स्थित बागमती नदी में निर्माणाधीन पुल निर्माण में चरम लापरवाही भेल से ठहर केलक अछि। शुक्र दिन समिति स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक करे तो पुल निर्माण में पप्पू कंस्ट्रक्शन गंभीर त्रुटि के निष्कर्ष निकाललक अछि। समितिक सभापति कल्याणी खड़का के नेतृत्व में विज्ञ सहितक टोली अनुगमन केने छल। समिति शुक्र दिन सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में 86 मीटर लंबा बागमती पुल के तोकल से कम लंबाई रहल आ किछ टूट लागल उल्लेख कयल गेल अछि। निर्माण पूरा हो वाला समय के 1 वर्ष पूरा भ चुकल रही तो निर्माण नहीं भेल। ओहि पुल के डिजाइन 2073 में पास भेल बमोजिम नहीं रहल छे देखल गेल अछि। पुल के पायल 29.5 मीटर गहराई धर हो परबाक में 96.5 मीटर धर मात्र रखने प्रतिवेदन 16.5 मीटर धर मात्र रखने प्रतिवेदन में उल्लेख है। समिति पप्पू कंस्ट्रक्शन के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन देने समिति सभापति खड़का बतौलन। तहिना योजना पूर्व तैयारी के काज सम्पन्न केलाक बाद मात्र ठेका लगाब परबाक काज आगा नहीं बढ़ाब के निर्देशन देने रही तो काज आगा बढ़ाव वाला के कार्यवाही कर निरंतर अनुगमन आ निरीक्षण कर लगात के निर्देश से हो देल गेल से ओ कहलायन। माटो पसर त चाहिँ त्यसमा फर देखियो त्यसले गर्दा खेरि हामी यो निर्माण व्यवसाय मात्र हैन संगठन निकाय पनि जिम्मेवार छ है भन्ने उहाँले भन्नुभयो। र मैले के भन्न खोजेको छु भने यसले समय छ होला भन्न खोजेको चाहिँ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनाले अटेर गर्ने व्यवसाय भनेर भनेका थियौँ र त्यो पनि जोडेर अटेर गर्ने गरी निर्माण गरेर अगाडि बढाउने व्यवसाय र समयमा निकास दिने कुरामा ध्यान नपुर्याएर पुलको यो अवस्था सिर्जना गराउने जिम्मेवार निकाय समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना पुल निर्माणक लेल पप्पू सँगै 2071 पुस 4 गते सम्झौता केने छल। पुल निर्माणक लागत अनुमान 30 करोड 85 लाख रहित निर्माण कम्पनी सँग 21 करोड 33 हजार कर बाहेकमे सम्झौता भेल छल।
अनुसन्धानकर्ता प्रहरी आभियोजनकर्ता सरकारी वकील के दोसर प्रादेशिक सम्मेलन शुक्र दिन से काठमांडू में शुरू भेल छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय के आयोजना तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के सहकार्य में प्रदेश 3 गंडकी प्रदेश आ प्रदेश 5 के प्रहरी आ सरकारी वकील के दोसर सम्मेलन शुरू भेल छ। कार्यक्रम में महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेल बीतला वर्ष के तुलना में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार पैघ उपलब्धि हासिल केने बतौलन। खरेल सरकारी मुद्दा के सफलता प्रतिशत 72.28% पहुंचल कहत ओ तथ्यांक एखन धरि के उच्च रहल से जानकारी दलन। महान्याधिवक्ता खरेल प्रतिवादी के पहचान यकीन कर सहयोग पहुंच वाला आधिकारिक कागज प्रमाण बेगर अभियोग लगाब के अभ्यास से बेर बेर पहचान के संबंध में प्रश्न उठ रहल बतबत प्रमाण बनाकर मुद्दा दर्ता कर अनुसंधानकर्ता तथा अभियोजनकर्ता के सुझाव दलन। सरकार प्रस्तुत केने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सब प्रदेश में प्रयोगशाला स्थापना कर प्रभाव उल्लेख कला से इस अपराध अनुसंधान में थप सहयोग पहुंचत से विश्वास व्यक्त कलन। अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको आग्रह नराखौँ। आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन सक्ने आधार र कारण सहित अभियोजनको निर्णय गरौँ। यसले निश्चय नै सरकारी मुद्दाको सफलतामा बढाउन सहयोग गर्दछ। अपराध अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्दा आधार कारण पुर्याउन नगरिएको सरकारी वकिल समिति विषयलाई औपचारिकताको रूपमा मात्र लिएको नियमावलीमा निर्धारण गरिएको ढाँचालाई आधारले आधार कारण बेगर म्याद थप माग गर्ने अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ। जरुरी प्रकारपुजी अभ्यास र सोको अनुमोदनका लागि समेत सही रूपमा अभिलेखबद्ध हुन नसक्दा बन्दी प्रसङ्ग हितमा पटक पटक त्यस्ता विषय उठाएको भए पनि कार्य सम्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु। कसुरको गम्भीरताका आधारमा सजाय निर्धारण हुने भएकाले अपराध अनुसन्धानदेखि नै सो विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिएको छ। तहिना प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल फौजदारी आचार संहिता के कार्यान्वयन में आन नेपाल प्रहरी के सबसे पैघ उपलब्धि भेल बतौलन। अपराध अनुसंधान में नेपाल प्रहरी विगत के तुलना में बहुत रास सफलता हासिल केने से हुनकर कहब छलन। इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ र इभिडेन्स बेस्ड पुलिसिङ इन्भेस्टिगेसनहरूले सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी चुक्ने छैन। यसतर्फ साङ्गठनिक सुधारका साथसाथै विशिष्टीकृत इकाइहरू पनि निर्माण गर्दै त्यस खालको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कारणमा कुनै ढिला सृष्टि भएको छैन। अस्ति मात्र भन्छु, अस्ति भन्दा पनि मिति नभइकन माननीय गुप्ताज्यूबाट भ्रमणको क्रममा सोखोको अवसर कम देख्ने आएछ भनेर राख्नुभयो र मैले त्यसै दिन सोखोको ट्रेनिङ हामी सुरु गरेँ। हामीमा सेड्युलभन्दा बाहिर गएका पनि केही हामीलाई बजेटका सीमितता हुन नभए पनि कन्स्टेन्ट हुन नभए पनि त्यसलाई बनाउनुपर्छ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपाल प्रहरीको पनि यो कोर फङ्सन हो। दू दिनधर चलवला सम्मेलन में 3 प्रदेश के 138 अभियोजनकर्ता तथा अनुसंधानकर्ता सबके सहभागिता है। कार्यक्रम में महान्याधिवक्ता कार्यालय से प्रकाशित बाल न्याय स्रोत सामग्री पुस्तक के सेहो विमोचन कयल गेल छल। गृहमंत्री रामबहादुर थापा नेपालक गरीबी 5 वर्ष में सुन्ना में गिराबजका सरकार काज कर रहल से बतौने छथि। पूर्वी चितवन के रत्न नगर में शुक्र दिन आयोजित वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला के उद्घाटन करे तो सरकार एखन रहल 18% गरीबी के सुन्ना में गिराब के लक्ष्य के संग काज आगा बढ़ाब रहल बतौलन। अय के लिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास आवश्यक रहल से कहलन। बेरोजगार युवा के रोजगार देवा काज के अभाव भेल उद्योग में दक्ष कामदार उपलब्ध करेबाक उद्देश्य के संग मेला के आयोजन कयल गेल छ। ओहि मेला में काठमांडू सहित विभिन्न जिला के रोजगारदाता सबक सहभागिता छ। वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला में वृत्ति विकास संबंधी परामर्श सेवा तथा जानकारी देबाक सिपमूलक तालीम देल जेबाक संस्थाक प्रदर्शनी तथा तालीम बारे जानकारी देल जेबाक बताओल गेल छ। मेला में रोजगार संबंधी सूचना देव के संगे रोजगारदाता संग प्रत्यक्ष संपर्क करेबाक निःशुल्क संचालन होबला आधारभूत सिपमूलक तालीम के बारे में जानकारी करेबाक रोजगार के अवसर प्रदान करबाक आ स्थानीय उत्पादन के प्रदर्शन राखल गेल छ।
संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गुठी विधेयक के संबंध में विज्ञ सब संग विमर्श करत। सिंह दरबार में शुक्रदिन बैसल समितिक बैसार में सांसद सब गुठी विधेयक में विरोध भ रहल कहत समिति से विमर्श कर परत से बतौलाक बाद समिति विज्ञ सब संग सुझाव लेबाक निर्णय कलक। समितिक सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी समिति के कार्य क्षेत्र रहल विषय सब में गंभीर भ क विमर्श कर परत बतौलन। ओ समिति में आयल विभिन्न विधेयक सब के सेहो क्रमशः विमर्श क के आगा बढ़ाल जायत से बतौने छलैत। जति मान्यहरु हुन्छौ उपलब्ध मान्यजीहरु छन्, हाम्रा व्यक्तिगत काम छन्, संस्थाका पनि छन्, पार्टीका पनि छन्, हामी सबै त्योसँग सम्बन्धित छौँ। फेरि पनि हामीले अब यो यसलाई चाहिँ विशेष समय र विशेष जिम्मेवारीका साथ चासो दिएर अगाडि बढाउँ। फेरि यद्यपि यसलाई चाहिँ छिटै छिटै हतारमै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन, है, हामी बृहत् छलफलै गरेर यसलाई पास गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी यसलाई जति सकेको छिटो गरौँ, छिटो अब यसलाई छिटो गर्ने भन्ने होइन र फेरि हतारमै पास गर्नु होइन, तर हाम्रो जिम्मेवारीप्रति चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ सिरियस भयो। यसको अर्थ मैले सिरियस हुनु न भन्न खोजेको छैन, है, हाम्रो समितिको मान्य सदस्यहरू त। सभापति सुवेदी समिति में रहल तीनटा विधेयक सबके जल्दी निष्कर्ष लगा कर अन्य विषय में विमर्श कर पड़ला से उपलब्ध सदस्य सबके उपस्थिति में सेहो बैसार बैसत से जानकारी देने छलै थे। वाइट बॉडी खरीद में 4.5 अरब से बेसी अपचलन का भ्रष्टाचार के निष्कर्ष में नागरिक आयोग पहुंचल है। शुक्रदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क प्रारंभिक प्रतिवेदन सार्वजनिक करत नेपालक लेल नेपाली द्वारा गठित वाइट बॉडी अनुसंधान संबंधी नागरिक आयोग दोषी के मुकाबले सेटिंग में चल खेल भेला से कार्यवाही के दायरा में आनब व्यापक जनदबाव सृजना जरूरी रहल से ठहर कलक। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराय छेत्री, पूर्व AIG डॉक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर नारायण घिमिरे आ सामाजिक अभियंता रोसा श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहल 4 सदस्य नागरिक आयोग 10 बुधे निष्कर्ष में वाइट बॉडी खरीद के अनियमितता में ढिलाई भ चुकल से उल्लेख है। प्रतिवेदन में 4.35 करोड़ 56 लाख से बेसी अपचलन कैल गेल, सार्वजनिक खरीद एहन से तोकने प्रक्रिया सब अवलंबन के अवस्था नहीं देखल गेल, जहाज खरीद प्रक्रिया में अविश्वसनीय कंपनी सब छानल गेल, नेपाल राष्ट्र बैंक सब प्रतिपत्र नहीं खोल कर रकम निकासा कैल गेल लगातक विषय उल्लेख है। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई आयोग के प्रतिवेदन से जहाज खरीद प्रकरण में चरम भ्रष्टाचार भेल विषय के खुलस्त केने बतौलन। नोक्सानी पुर्याउने पदाधिकारी उप कारवाहीका लागि सिफारिस समेत गरिसकेको छ। यस नागरिक आयोग संसदको उपसमिति विधेयकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ल्याउन विशेष आग्रह गर्दछ र 4.35 अरब विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार पुष्टि भएको छ भने यसको एजेन्टको रूपमा जर्मनीकै नटर्ज रोज फुल ब्राइटसँग सम्झौता भई उसैको खातामा रकम हस्तान्तरण भएको अवस्था छ। एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई फ्लाई एक्स पिच कारोबार रकम खुल्न सके अनियमितता अझ अङ्क अझै बढ्ने देखिन्छ। यसबारेमा हालसम्म कतैबाट जानकारी हुन सकेको छैन। साथै वायुसेवा नियमले निर्माता कम्पनीसँग नयाँ विमान खरिद नगरी 1000 घन्टा उडेको भने सेकेन्ड ह्यान्ड अर्थात् पुरानो विमान खरिद भएको विमानको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने हो भने खरिद पछिको मेन्टेनेन्स चार्ज वारेन्टी पक्ष समेत ध्यान दिँदा पे जुन खर्च रकममा थप व्यवहार बिहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यसै गरी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको सामा ब्याज निर्धारित कार्यतालिका अनुसार फिर्ता गर्न नसक्दा अतिरिक्त ऋण भार वहन गर्नु परिरहेको छ। निगमको सही किसिमले व्यावसायिक योजना नहुँदा वाइड बडीले पूर्ण क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिरहेको। आयोगक सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ कार्यवाही कर प्रभाग में उल्टे संरक्षण करवला सबके कड़ा कार्यवाही कर मांग कलन। पूर्व सहायक रथी प्रेम सिंह बस्नियात भ्रष्टाचारी के कार्यवाही नहीं कला पर देश बर्बाद हाथ से बतौने छे। पशु बलि बंद कर के मांग करत विभिन्न संघ संस्था सब शुक्रदिन काठमांडू में रैली निकालने छल। वो सब धर्म के नाम में होवला पशु बलि रोक लेल मांग करत काठमांडू में शांतिपूर्ण रैली निकालने छल। काठमांडू के रत्न पार्क से शुरू भेल रैली विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। पशु अधिकार कर्मी सब विभिन्न जानवर सब के मुकुट लगा कर रैली निकालने छल। वो सब धर्म के नाम में होवला सामूहिक बलि के विरोध केने छल। टाइम्स समाचार में आब आर्थिक प्रसंग।
नेपाल राष्ट्र बैंक सब लघुवित्त संस्था सबके मर्जर के लिए तैयार रह सचेत करौलक शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित लघुवित्त संस्था के मर्जर आवश्यकता विषयक अंतरक्रिया में बजत नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल मर्जर के लिए तैयार रह सब लघुवित्त संस्था सबके सचेत करौलन ओ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी निवारण के लिए आर्थिक गतिविधि बढ़ावा में सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य के संग शुरू कैल गेल लघुवित्त संस्था के दिगोपना के लिए मर्जर अति आवश्यक रहा स्पष्ट कलन गवर्नर नेपाल अखार महीना भीतर सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके स्थापना करबाक घोषणा कलन 753 स्थानीय तह मध्य 728 स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब पहुँच चुकल आ बाकी स्थानीय तह में सेहो यह अखार भीतर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके व्यवस्था कैल जेबाक गवर्नर नेपाल के योजना छन कार्यक्रम में बजत नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ के अध्यक्ष रामचंद्र जोशी लघुवित्त संस्था सबके सेहो मर्जर करबाक नेपाल राष्ट्र बैंक के काज प्रति पूर्ण समर्थन रहल बतौलन समस्या में पड़ रहल लघुवित्त संस्था सबके सेहो मर्जर अभियान से पैघ राहत देत सेहो कहलन अध्यक्ष जोशी लघुवित्त संस्था सबके कृषि कर्जा प्रवाह नहीं कर देबाक नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्णय प्रति दुख व्यक्त केने छलथि आब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग ओमान में आ ईरान के बीच में पड़े वाला समुद्र में दूटा तेल टैंकर में भेल विस्फोट के लक अमेरिका आ ईरान बीच वाक युद्ध शुरू भेले छे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ओमान के खाड़ी में भेल तेल टैंकर में विस्फोटक लेल ईरान के जिम्मेवार बतौने छथि ओ अमेरिका के उकसाबे लेल ओ विस्फोट ईरान केने से बतौने छथि ओ अय के जिम्मेवारी सेहो ईरान के लेबय पड़त कहलन ओ विस्फोट में प्रयोग भेल हथियार के लक गुप्तचर संयंत्र के सूचना के आधार में अमेरिका ईरान के संलग्नता रहल बतौलक अछि एम्हर ईरान के अधिकारी सब ओ विस्फोट में अपन देश के कोनो संबंध नहीं रहल से प्रतिक्रिया देने छथि अमेरिका लगौने आरोप के ईरान खारिज कलक अछि ओ दूटा तेल टैंकर में हमला भेल छल जापान के स्वामित्व में रहल एक आ दोसर नॉर्वे के टैंकर ऊपर हमला भेल छल तेल टैंकर में विस्फोट भेलाक बाद ओतय रहल दर्जनों कर्मचारी के सकुशल उद्धार कयल गेल छल अमेरिका आ ईरान दुनू देश स्वयं ओ कर्मचारी के उद्धार केने बतौलक अछि एम्हर अमेरिकी सेना ओ घटना संबंधी एक वीडियो जारी करैत शुक्र दिन फेर ईरान ऊपर आरोप लगौलक अछि वीडियो में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स टैंकर हमला में प्रयोग भेल हथियार निकालने बताओल गेल अछि केनिया में अपन निर्वाचन क्षेत्र में बजट नहीं देने कहित रशीद कासिम नामक एक सांसद फातुमा गेड़ी नामक सांसद के आक्रमण के बताओल गेल गेड़ी संसद के बजट समिति में सदस्य रहल समाचार में उल्लेख है आक्रमण पश्चात के एक फोटो में गेड़ी कायम रहल आ हुनक चेहरा पर खून निकलल देखल गेल ओ फोटो सामाजिक संजाल में व्यापक भेलाक बाद ई समाचार बेसी चर्चा पलक अछि पूर्वी केनिया से सांसद में निर्वाचित कासिम स्वयं निर्वाचन क्षेत्र में किया रकम विनियोजन नहीं केने कहित गेड़ी संग संसद भवन स्थित गाड़ी रोकवला स्थान में झगड़ा केने समाचार में जनाओल गेल अछि तकर बाद पुरुष सांसद सब थप्पर दिवस अछि कहकर महिला सहकर्मी सबके होचियौने समाचार में जनाओल गेल अछि कासिम के पकड़ पड़बाक मांग सहित महिला सांसद सब संसद से बाहर निकललाक बाद आरोप लागल सांसद पकड़ायल बताओल गेल अछि आब खेलकूद समाचार इलाम में संपन्न 3 दिने प्रदेश नंबर 1 स्तरीय उसु प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण पदक हाथ पारित मोरंग प्रथम भेल अछि प्रतियोगिता में उदयपुर द्वितीय स्थान हासिल कलक अछि तथा झापा तृतीय घोषित भेल अछि प्रदेश नंबर 1 के सामाजिक विकास मंत्रालय के आयोजना प्रदेश खेलकूद विकास समिति के मूल व्यवस्थापना इलाम जिला खेलकूद विकास समिति के स्थानीय व्यवस्थापन में संपन्न प्रतियोगिता इलाम सदर मुकाम के नवनिर्मित इलाम फुटसल के खुला भवन में संचालन भेल छल प्रतियोगिता में उसू खेल के 700 विधा अंतर्गत महिला पुरुष के अलगे अलगे 13 तौल समूह में प्रतिस्पर्धा भेल छल त थौलू विधा अंतर्गत महिला पुरुष के अलगे अलगे 5 उप विधा अंतर्गत के 9 खेल सब में प्रतिस्पर्धा भेल छल विश्व फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय फीफा के वरीयता में नेपाल के अवस्था कमजोर अछि फीफा शुक्र दिन सार्वजनिक केने महीना के वरीयता में नेपाल अगला महीना से 4 स्थान नीचा खसल अछि इससे पहले 161 स्थान में रहल नेपाल नया वरीयता अनुसार 165 स्थान पर अछि दक्षिण एशिया में सबसे आगा रहल भारत 101 स्थान पर यथावत अछि
थाइल्याण्ड दु स्थान निचा गिरत 116 में अछि त अफगानिस्तान 149 मालदीव्स 151 हम स्थान पर यथावत अछि। नेपाल से पाछा रहल बांग्लादेश 5 स्थान सुधार केने अछि। बांग्लादेश 183 भूटान 186 श्रीलंका 201 पाकिस्तान 205 स्थान पर अछि। फीफा के वरीयता में बेल्जियम फ्रांस ब्राजील आ इंग्लैंड क्रमशः पहिल से लऽ कऽ चारिम स्थान में यथावत अछि। एहि बेर पोर्चुगल 2 स्थान सुधार करत 5 स्थान हासिल केने अछि। समाचारक अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। प्रदेश सरकार पत्रकारिता के विकास आ प्रेस स्वतंत्रता प्रति प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउत के जिकिर। महोतरिक भंगहा नगरपालिका में टीपर पिछला पर गंभीर घायल भेल 2.5 वर्षक बालक के मृत्यु। सरकार अन्य गुठी विधेयक विरुद्ध आंदोलन करबाक, जनकपुर धामक साधु संत सभक चेतावनी। नेपालक गरीबी 5 वर्ष में सुन्ना में गिराव जका सरकार काज कर रहल, गृहमंत्री थापा के दाबी। ओमान आ ईरान के बीच में पड़े वाला समुद्र में 2 तेल टैंकर में भेल विस्फोट के लऽ कऽ अमेरिका आ ईरान बीच वाक युद्ध शुरू। व्यस्तः एहिक संग एखनुक टाइम्स समाचार एतै समाप्त भेल। एखनुक समाचार सँ हम दीपक विदा चाहै छी। सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचारक लेल देखत रही टाइम्स टेलीविजन। प्रणाम।